जल अरेस्ट की तीसरी घटना सामने आई है। महिला को 50 मिनट तक बैंक का फॉर्म भरवाने के नाम पर अरेस्ट रखा गया है। दो खातों से 1,05,000 रुपए की ठगी की गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आगरा में तीसरा जिस्टो अरेस्ट का मामला सामने आया, इसमें भी महिला ही इसका शिकार हुई है। आपको बता दें, इलाके की रहने वाली एक वृद्ध महिला और उसकी बेटी 6 लाख रुपए के ठगी का शिकार हुए हैं। इन्होंने गूगल पर लॉकर सर्च किया तो उसके बाद इनके पास एक फोन आता है। वो अपने आप को SBI बैंक का मैनेजर बताता है और इन्हें एक लिंक भेजता है। जब ये लिंक को क्लिक करते हैं तो माँ के खाते से 1 लाख रुपया और बेटी के खाते से 5 लाख उड़ जाते हैं। इनकी हवाइयां उड़ जाती हैं। इनकी बात लगभग 50 मिनट तक चलती रही। अब इस पूरे मामले को लेकर ये थाना पुलिस और साइबर क्राइम सेल को शिकायत की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से जो साइबर अपराधी हैं ऐसी महिलाओं को ही अपना शिकार बना रहे हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है लखनऊ के मीरख नगर गांव का। ये मामला है, बताया जा रहा है कि लिंक रोड पर बने गड्ढे को लेकर अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है। विभाग की तरफ से तत्काल सड़क को गड्ढा मुक्त करने का काम शुरू कर दिया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने इंडिया न्यूज का आभार जताया और ग्रामीणों ने काफी खुशी जताई है। लेकिन हमारे संवाददाता जय शुक्ला की से इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ का जो मीरख नगर काटा गांव है, इसकी लगभग 5 किलोमीटर लिंक रोड में जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे हो गए थे, जिसको इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। और आपको बता दें कि आज से यहां पर काम शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़क की रिपेयरिंग के लिए यहाँ पर जो मजदूर हैं वो पहुँच गए हैं और आज से यहाँ पर इस सड़क की मरम्मत का काम भी शुरू हो गया। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना उनका, क्या कहेंगे आप? आज से आपकी रोड बनना शुरू हो गई? हाँ, आज से रोड बनना स्टार्ट हो गई और काफ़ी जो है राहत हो गई है। रोड में पैचिंग हो रही है तेज़ी से भैया लोगों के माध्यम से। हम लोगों ने खबर दिखाई थी, इंडिया न्यूज़ ने खबर दिखाई थी, उसका असर क्या कुछ देखने को मिला? हाँ, तेज़ी से जो है काम स्टार्ट हुआ है, आज से बनना स्टार्ट हो गई है। आज से बनना स्टार्ट हो गई, बिल्कुल देख सकते हैं साफ तौर पर जो ग्रामीण है। और भी बात करते हैं, भैया कितना अच्छा लग रहा है आपकी रोड बन जाएगी? लग रहा है सर। कितनी समस्या होती थी? जी सर, बहुत समस्या होती थी आने जाने में। हाँ, बड़े बड़े गड्ढे थे रोड पर। जी सर, क्या देख सकते हैं कि रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से लोगों को निकलना मुश्किल हो गया था, लोग चल नहीं पा रहे थे। ऐसे में इंडिया न्यूज़ ने यहाँ पर खबर दिखाई। यहाँ कुछ लोग और आए हैं, ये कितना आसान हो गया अब आपको, अब जो रोड अब बनना शुरू हो गई, क्या कुछ कहेंगे? पहले कितनी परेशानी थी? अरे पानी वानी भर जाता रहा गड्ढे गड्ढे में, यही होता था। अब रोड बनना शुरू हो गई तो ठीक है अब? अरे ठीक है, बन रोड बन जाए तो ठीक है। ये वाली देखिए, ये देख रहे हैं कौन सी? बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रोड के जो गड्ढे हैं वो आपको फिर से अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं कि किस तरह से अब भरना शुरू कर दिया है। यहाँ पर पीछे पूरी टीम पहुंची हुई है जो कि रोड की मरम्मत का कार्य ये लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इंडिया न्यूज़ की खबर का असर यहाँ पर देखने को जरूर मिल रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। एक बार फिर से इंडिया न्यूज़। जालौन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद निर्माण और कार्यदायी संस्थाओं को लेकर बैठक हुई है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि उरई विधानसभा में 40 नई सड़कें मिलेंगी और साथ ही अधूरी पड़ी सड़कों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने बीजेपी सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और नई सड़कों का प्रस्ताव देने के लिए कहा है। आज आपको बता दें, जालौन में भी इसको लेकर एक बैठक हुई है, हमारे साथ मौजूद हैं सदर विधायक, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आज जिस तरीके से बैठक हुई है, कितनी सड़कें जो हैं जनपद को नहीं मिलने वाली हैं, क्या बैठक में डिस्कस हुआ है? आज उरई विकास भवन में लोक निर्माण विभाग की बैठक जिलाधिकारी और जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में हुई और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के SSC मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो विगत दिनों BC के माध्यम से हम लोगों का कहा था कि अपने अपने प्रस्ताव लोक निर्माण को भेज दो जिससे कि 2-3 वर्षों में कार्य पूरा हो सके, उसी की बैठक को लेकर आज हम लोगों ने चर्चा की और कई बिंदुओं को छूते हुए, जैसे कई सड़कें चौड़ीकरण की, कई धर्मांत की सड़कें, कई नाबार्ड की, कई मिसिंग वाली सड़कें, कहीं राज सड़कें तो कहीं अंतर राज्य सड़कों की चर्चा की गई। और विशेष रूप से हमने आज अपने विधानसभा से चौड़ीकरण की 5 सड़कें और 38 नव निर्माण की सड़क दी हैं और जहां जहां हमारी विशेष
गड्ढे थी उन गड्ढे मुक्त युक्त करने के लिए हमने पुनर्निर्माण के लिए भी लिखा है। तो इस तरह की लगभग पुनर्निर्माण की 8-10 सड़कें हैं, चौड़ीकरण की 5 सड़कें हैं, मिसिंग की 3 सड़कें हैं, नाबार्ड की 5 सड़कें हैं और नव निर्माण के लिए मैंने अपनी लगभग 38 सड़कें आज प्रस्ताव दिए हैं, जिसका आंकलन लोक निर्माण विभाग के तीनों प्रांतीय CD1 CD2 और RES और सेतु निर्माण निगम के भी हमने 5-6 पुल दिए हैं। निश्चित तौर पर आपको बता देंगे जिस तरीके से आज ये बैठक संपन्न हुई है, मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जनपद जालौन सहित पूरे प्रदेश की सड़कें जो है वो दुरुस्त हों ताकि लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष शिवहरे। खबर रायबरेली से है, जहां पर मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब पहुंचे और उन्होंने सदर तहसील का निरीक्षण किया। SDM और तहसीलदार कोर्ट पहुंचकर मुकदमों की स्थिति का अवलोकन भी किया है। उन्होंने विभिन्न अदालतों में चल रहे राजस्व संबंधित मुकदमे की स्थिति का भी ब्यौरा लिया है। इस दौरान उनके साथ DM हर्षिता माथुर भी मौजूद रहे। लखनऊ मंडल की मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब रायबरेली आई हैं और रायबरेली में जो तहसील है, बहुत सारे जो विभाग हैं सरकारी, उनका वो रूटीन जो है निरीक्षण करने आई हैं। आप देख सकते हैं कि उनका जो है निरीक्षण जो अभियान है सदर तहसील में चल रहा है। वे यहाँ सबसे पहले आई और एक ये जो चर्चा है कि शासन स्तर पर जो तहसील है उसमें जो है निरीक्षण होता है सभी अभिलेखों का, वहाँ के जो काम काज हैं उनका और लोगों से जो फरियादी आते हैं उनकी भी बातें। तो बाकायदा जो रोशन जैकब मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर हैं, वो अंदर जो बैठी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अपने सहयोगी से कहूँगा कि जो उप जिला अधिकारी कच्छ है सदर तहसील में, वे वहाँ पर जो है अभिलेखों की जांच कर रहे हैं, निरीक्षण कर रही हैं। खास बात यह है कि मंडलायुक्त का यह जो वार्षिक निरीक्षण है, यह निरीक्षण रायबरेली की सभी तहसीलों में होना है और शासन स्तर पर यह समय समय पर सरकार जब चाहती है। रोशन जैकब जो है उनका निरीक्षण चल रहा है, अब जब निरीक्षण के बाद वो निकलती हैं क्या कहती हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर बबीता चौहान ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया है। लोकबंधु अस्पताल में बने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ सदस्य भी मौजूद रहे। महिलाओं के लिए हम यहां दुकान रखवाए। सब कुछ अच्छा ही है और यहां मैंने जो निरीक्षण किया उसमें मुझे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट मिला है। कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि यहाँ ये चीज नहीं है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देखिए, वैसे तो ये लोग खुद ही कोशिश कर रहे हैं, जैसा अभी आपने देखा कि यहाँ बहुत सारी कंपनी, मतलब सबसे अच्छी बात यह है जो मैंने यहाँ देखी कि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों से ये टाई अप किए हुए हैं कि जो यहाँ आती हैं और प्रशिक्षण देती हैं और उनको खुद ही वो नौकरी पर रख रही हैं। तो और इससे अच्छी बात क्या होगी, मुझे लगता है कि ये जो लिंक है बहुत अच्छा है। अभी तो यहाँ जैसे होटल मैनेजमेंट का है जो अच्छा प्रशिक्षण है, जिसमें जॉब भी अच्छी मिलती है और सैलरी भी अच्छी मिलती है। ऊपर आपने देखा होगा जैसे पार्लर का भी था, पेंटिंग का था, कुछ सिलाई विलाई इस टाइप के भी काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जब सीखना चाहेंगी महिलाएं और आत्मनिर्भर बनना चाहेंगी तो मुझे लगता है कि इतना कर सकती हैं सीखने के बाद कि अपना गुजारा अच्छे से हो जाए उनका। कुशीनगर से बड़ी खबर है, जहां पर निर्माणाधीन मकान का छज्जा IFJE छज्जा गिरने से 3 मजदूर दबे हैं। बताया जा रहा है कि दबे मजदूरों को निकाला गया बाहर, 2 मजदूरों की हालत बताई जा रही है नाजुक। बिना नक्शा पास कराए हो रहा था निर्माण का काम। और इसी के साथ इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।